तो दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए एक बार फिर से दिल्ली सरकार ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में लागू करेगी, लेकिन अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो उसे इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के फैसले का विरोध किया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण कम है, तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस फैसले को चुनावी स्टंट बता दिया। अभी तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो नया रिंग रोड बनाया उससे दिल्ली का प्रदूषण काफी कम हुआ है, और मेरे अंदाज से हम 2 साल के अंदर जितने 50,000 करोड़ के रोड मई मेरे विभाग से बन रहे हैं, यमुना जल शुद्धिकरण और वायु शुद्धिकरण दोनों की योजनाएं चल रही है, 2 साल में दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, उनका फैसला तो वो कर सकते हैं। एक चुनावी स्टंट के रूप में आप गुड़ी गुड़ी बातें लेके आ जाते हो। अगर आपको लगता है कि नवंबर में पराली जलती है तो हर साल नवंबर में आपको ऑड इवन लागू करना चाहिए। ये 2020 के मुहाने पे ही क्यों कर रहे हो जबकि सामने चुनाव है। दिल्ली बड़ी समझदार है और इस चुनावी स्टंट को समझती है। राजनीति तो इन्होंने शुरू से की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता अब इनके धोखे में फंसने वाली है। 5 साल भुगत लिया इनको, और असली कारण है कि अगर दिल्ली से गैसियस पोल्यूशन कम हुआ है तो उसका श्रेय इनको नहीं जाता, क्योंकि इनसे पूछे आपने क्या किया, अपने काम तो बताइए। आपने PWD की सड़कों को ठीक कराया, आपने PWD की सड़कों से मलबा उठाया, आपने आपका पोल्यूशन बोर्ड ने बेहतर काम किया, क्या काम किया उसका हिसाब दीजिए। तो काम तो कुछ नहीं किया, पोल्यूशन अपने आप कम हो गया। पोल्यूशन कम हुआ है केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से। आपने देखा, इसको लेकर राजनीति भी यहाँ पर जोरों से देखने को मिल रही है। चलिए हम आपको बताते हैं, आपको समझने में आसानी होगी किस दिन किस नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी। 6 नवंबर की बात करें तो 02468 यानी ये नंबर की गाड़ियाँ आपको सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। 7 तारीख को 13579 ऑड इवन का जो है ऑल्टरनेट डेज में आपको ये पूरा फॉर्मूला लागू होता हुआ नजर आएगा। 9 तारीख की अगर बात करें दिल्ली में, वो भी इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। इसके अलावा 11 तारीख को 13579 तो उसके ऑल्टरनेट डे यानी 12 तारीख को अलग तस्वीर यहां पर नजर आएगी। तो किस दिन किस किस तरह की गाड़ियां चलेंगी, किस नंबर की गाड़ी चलेंगी, वो हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे चेन्नई में मौत की होटें।